मैं 2 मिनट ले सकती हूँ? मैं रिपोर्टर हूँ एक। जी बिल्कुल। ओके, कैमरा उधर है, वो भी है। नमस्कार, इस वक्त आप हलचल न्यूज सुन रहे हैं और हम जनता के बीच हैं। पुलिस वालों के बारे में उनकी क्या राय है, आई उनसे सुनते हैं। आपको क्या लगता है पुलिस वाले कैसे होते हैं? मेरा तो अभी ऐसा कुछ पाला पड़ा नहीं है, बट दोस्तों से सुनने में आया है कि वो लोग बहुत रूड होते हैं, बहुत पैसे मांगते हैं। पुलिस वाले तो बात ही नहीं करते ढंग से, कुछ भी बोलो उल्टा सीधा जवाब देते हैं, कुछ भी बोलो मतलब सीधे मुंह बात ही नहीं करते हैं वो लोग तो। मैम, पुलिस वालों के बारे में क्या सोचता, छोड़ो वो तो मतलब बेकार ही है पुलिस वाले अगर मेरे हिसाब से देखा जाए। आप मानोगे नहीं कि हमारा लॉकडाउन का टाइम था, सब बीमार पड़े थे, नीचे आ गए हैं, बैठ गए, डेरा लगा लिया है, डंडा दे रहे हैं, कोई आ नहीं सकता ऊपर। मेरे को तो देखिए डर लगता है पुलिस वालों से, काफ़ी रूड होते हैं और बात नहीं मानते हैं और बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आता उनको कुछ भी बोलते हुए। इसको बताया कि पूरा पैसे वैसे लूट लेता आराम से, लाइसेंस होती भी है, किसी कारणवश उठा लेते वैसे वैसे। मुझे लगता है कि उनकी ना एक इमेज क्रिएट हो गई है जिसके जिसमें सिर्फ नेगेटिविटी है। मे बी कुछ है जो करते हैं गलत काम, बट उसकी वजह से ना सबका नाम ऐसे हो रहा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है पुलिस वाले हेल्पफुल होते हैं। तो दोस्त बोलते हैं कि काफी गंदे तरीके से बातचीत करते हैं। तो क्या चल रहा मैडम? इंटरव्यू चल रहा है। अच्छा अच्छा, बोलो भाई। तो दोस्त बोलते हैं, वैसे तो मेरे दादाजी बोलते हैं वैसे काफी अच्छे होते हैं पुलिस वाले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, वैसे सब बढ़िया है। मेरे हिसाब से तो पुलिस वाले भी अच्छे होते हैं भाई, अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं वो भी। तो कभी पाला पड़ा है आपका? हाँ, एक बार हुआ था, मैंने एड्रेस वगैरह पूछ। पढ़ा तो होगा। नमस्ते, क्या चल रहा है मैडम? सर इंटरव्यू चल रहा है, बताइए। कुछ नहीं मैडम, बस क्या है एक्चुअली यहाँ का पॉल्यूशन वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा है ना, तो इसी वजह से ये सब होता है। नहीं नहीं, पुलिस वालों के बारे में आप कुछ कह रहे थे। मैं पुलिस वालों के बारे में तो कुछ नहीं बोल रहा था ना मैं। सर सर, अरे मैम, तो मेरे को अच्छे नहीं लगते पुलिस वाले, मतलब बेकार ही है। बेकार मतलब आप? हाँ जी मैडम, अच्छी बात है, इंटरव्यू तो लेना चाहिए। बहस हो गई थी, बिल्कुल ही बुरा हाल कर रखा है। कोई आप लगा लो एक तरीके से कि वो होती है ना सिंसेरिटी, सिंसेरिटी कि इंटरव्यू मतलब बहुत हेल्प करी इस बार उन्होंने जब आए घर के नीचे। हमारा बर्थडे वगैरह था पापा का, अच्छे लोग थे, हेल्प तो करी है, प्राउड है, मतलब सल्यूट है सर, मैं तो दिल से मानता हूँ, मुझे तो गर्व है जी। मतलब नहीं मैम, जो भी है ठीक है, तो पुलिस वाले जो भी हैं करते हैं लोगों के लिए। कई बार पुलिस वाले से परेशान भी हैं लोग, वो इसलिए क्योंकि मैं क्या ही बताऊँ, सर्विस साथ में है। तो ओवरऑल एक तरीके से कहूँगा कि दिल्ली को तो एक तरीके से बेस्ट अवार्ड मिला हुआ पुलिस वालों के उसमें, और अवार्ड तो है ही है, और एक तरीके से टोटल है कि ये हेल्पफुल है हम लोगों के लिए। तो वही है कि काफी हेल्पफुल होते हैं पुलिस वाले एंड करते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, बट वो जो एक इमेज क्रिएटेड है ना, दैट्स लाइक अ टैबू, दैट्स देयर। ये तो मैडम सही बोल रहे हैं, ये मैं भी मानता हूँ। मैं एक बात बताऊँ, मैंने पहचान ली आज। मतलब काफी बार हम लोग पैसे दे चुके हैं और इंटरव्यू। अच्छा, और बोल रहा था कुछ और बोलना। मेरे दादाजी भी पुलिस में है, काफी बढ़िया आदमी थे, मतलब बिल्कुल पसंद नहीं है। इंटरव्यू सर। प्रिटी गुड एक्चुअली, मतलब अगर देखा जाए तो कोई भी कुछ चोरी हो रहा है, कोई चोर लेके जा रहा है। जैसे मेरी स्कूटी चोरी हुई थी एक बार,
जिस स्पीड से शायद गई थी उसी स्पीड से वापस आई है। आपको क्या लगता है? और मेरे तो बहुत मदद किए हैं पुलिस वालों ने कोविड के टाइम पे, और मैं तो सोच रहा हूँ कॉलेज छोड़ के पुलिस ही ज्वाइन कर लूँ। इंटरव्यू हाँ बहुत अच्छे होते हैं पुलिस वाले वैसे तो। अच्छा और सब सही चल रहा है पुलिस वालों का। अब देखिए जैसे मैडम ने बताया आपकी स्कूटी चोरी हो गई थी, अब स्कूटी दिला दी पुलिस वालों ने, अब आपकी स्कूटी चोरी हुई नहीं ना अभी तक, आप स्कूटी चोरी करवाओ तो सही जब भी तो दिलाएंगे भाई, हमारी गलती थोड़ी है, हुई नहीं हम ऐसे ही दिला दें। लेकिन देखिए मजाक से हट के एक बात बताऊँ, आप लोग बहुत ज़्यादा हो, आप सबकी जिम्मेदारी है हम पे और हम थोड़े कम हैं, ठीक है, हम तो आपका सहयोग चाहते हैं, बस ये है ये परसेप्शन थोड़ा हटा दो, बाकी आई लव यू, लव यू टू। अब तो मेरे ख्याल से पहचान गए होंगे आप। हाँ